आऊं क्या मैडम? याम काम काम। अनुष्का बेटा आ चल। सेट। हाँ हाँ। अनुष्का बेटा बैठ। आप ही है ना मतलब अनुष्का की क्लास टीचर? हाँ मैं ही इनकी क्लास टीचर हूँ और प्रिंसिपल को मैंने ही बताया था आपको बुलाने के लिए। और वैसे अपने मतलब हमें ऐसे अचानक से ऐसे क्यों बुलाया? मतलब अभी तो कॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन होता है, तो आपने क्यों बुलाया? बताती हूँ जरा वेट कीजिए, बहुत तो कुछ बताना है आपको आपकी बेटी के बारे में। अनुष्का नाम है ना तुम्हारा? अरे आपको केस का नाम पता नहीं क्या? अनुष्का है, आप उसकी क्लास टीचर हो ना? आई एम टॉकिंग विद हर, आप बीच में मत बोलिए। गॉट इट? क्या सिट्टी पिट्टी गुल हो गई तुम्हारी? और वैसे मेरी बेटी स्टडी कैसे करती है? हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई करती है आपकी बेटी। बताती हूँ जरा रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। हेलो, नथिंग स्पेशल, नो नो टॉकती हूँ लेटर। अन्ना आई एम बिजी, या पेरेंट्स कमिंग फॉर अ मीटिंग, या ये साउथ इंडियन है क्या? टॉकती हूँ लेटर अन्ना। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी? आप साउथ इंडिया से हो क्या? या आई एम ए साउथ इंडियन फ्रॉम चेन्नई। फिर तो आप चेन्नई सुपर किंग की फैन होंगी ना? तो मैं आपको क्या बोल रही थी? आपको धोनी भी बहुत पसंद होगा, क्यों? आप मुझे को कंफ्यूज कर रही हो, यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं चल रही है। Got it? Sorry. हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, या अभी इनके ऑनलाइन एग्जाम थे तो इसके जो मार्क है, अरे बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है ना मेरी बेटी के बारे में। हाँ मेरी बेटी को एग्जाम ये होगा आउट ऑफ, क्यों बेटा? वाव क्या भरोसा है आपका आपकी बेटी पर? हाँ तो भरोसा क्या, भरोसा मतलब मेरा पूरा विश्वास है मेरी बेटी के ऊपर। हाँ वो तो पता ही चल जाएगा ना आपको कि अनुष्का मम्मी की लाडली बेटी। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ अभी जो इनके ऑनलाइन लेक्चर हो रहे थे, ऑनलाइन जो लेक्चर है वो, अरे सारे उसने अटेंड किया ऑनलाइन लेक्चर, मुझे पता ही ना सारे उसने ना मतलब ना सारे एकदम ऑनलाइन लेक्चर जो थे ना वो ऐसे धड़ाधड़ करती थी मेरी बेटी। मैंने आपको बुलाया, आपने मुझे को बुलाया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी। हाँ ऑनलाइन लेक्चर इसने एक भी अटेंड नहीं किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम झूठ, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे पास उतना ही टाइम नहीं है सारे पेरेंट्स को बुला के यहाँ पे बिठा के उनसे बातचीत करके, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? इट्स योर डॉटर्स फ्यूचर, इसलिए मैं आपको बुलाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का।
सॉरी हाँ सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना, मेरी बेटी ना मतलब वो रूम में जाके बैठती थी, अब मतलब वो ऑनलाइन लेक्चर करती होगी ना। अब ये आपको ही पता कि आपकी बेटी क्या करती थी? कि वह अनुष्का, कितने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किए तुमने? वैसे भी जब नॉर्मल हमारा कॉलेज चालू था तब भी ये लेक्चर अटेंड नहीं करती थी, ये भी आपको बताना था। और इसकी जो दोस्त है, क्या उसका नाम, हाँ श्रेया, 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 अरे वो तो हमारे पास में रहती है। हाँ मेरे को सब मालूम है। मैं आई थी उसकी मम्मी के पास भी, उसकी मम्मी का भी अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास था, सारा चूर हो गया। अभी मैं आपके पास भी आने वाली थी क्योंकि उन्होंने मुझे को बताया था कि आप अभी साइड में ही रहती हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना यहाँ वहाँ पे शाम, तो मैंने सोचा मैं आपको बाद में कभी बुलाती हूँ। उसके बाद हो गया मतलब ऑनलाइन ये सारा शुरू। मुझे लगा चलो अभी अब ऐसा तो नहीं करती ये दोनों, ऑनलाइन करेंगी, बट ये दोनों भी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती। उसकी मम्मी के पास भी मतलब उसकी मम्मी को भी बुलाना था, पर उसकी जो दादी है वो काफ़ी फ़ोन पे बोल रही थी कि मैं अभी ध्यान दूंगी ध्यान दूंगी, इसलिए मैंने उनका सब्जेक्ट छोड़ ही दिया है उस श्रेया का। अब देखती हूँ वो क्या करती है। पर मुझे आपसे स्पेशली बात करनी थी क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी स्टडी नहीं करती है। अनुष्का बेटा क्या बोल रहे मैडम, कुछ तो बोलो। अब क्या बोलेगी वह, उसका फूट गया ना सारा का सारा भांडा। क्यों अनुष्का? और हाँ और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये जो बात थी वो मैंने श्रेया की मम्मी को भी बताई थी। ये और इसकी जो वो श्रेया नाम की दोस्त है, ये दोनों आगे वाले बेंच पे कभी भी नहीं बैठते, हर बार लास्ट वाले बेंच पे जाके बैठते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारी बातें करने को मिलती है, और बातें भी किस 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 चीज़ की बातें करती है, ना कोई सब्जेक्ट, ना कोई चैप्टर, ना कोई टेस्ट, ये बातें करती है लड़कों के बारे में। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जस्ट शट योर माउथ, ओके? यू हैव टू लिसन, इनाफ इज इनाफ। बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती ये, और ये उसकी वो जो दोस्त है श्रेया, उसकी तो मैंने माँ को सारी चुगलियां लगा दी थी, बस आपको ही बताना था। आज मैं सब आपको भी बता चुकी हूँ, अब आप देखिए आपकी बेटी का क्या करना है। सॉरी हाँ सॉरी, मतलब ना अभी मैं क्या बोलूँ ना, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। ना अभी तू घर चल, तुझको दिखाती हूँ मैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल ना ध्यान रखूंगी और ना मैं बैठूंगी ऑनलाइन लेक्चर को, मैं भी करूंगी ऑनलाइन लेक्चर इसके साथ बैठ के। हाँ आपको बिल्कुल बोलने का चांस नहीं दूंगी। और हाँ ऑनलाइन जो लेक्चर हुए उसका आप रिजल्ट लेके जाइए साथ में, देखिए आपके बेटी के गुल। आ नहीं 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 मत दिखाइए। अरे नहीं, जरा देख के तो जाइए। रहने दीजिए, अभी इतना देख लिया और क्या देखना बाकी है। चल हम जाते हैं। ओके मैं आपको ये लास्ट बार बता रही हूँ, उतना ध्यान में रखना। ओके अभी इसके बाद मैं आपको फिर से नहीं बुलाऊंगी, मुझे इतना ही काम नहीं होता है। तुमको तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, मम्मी की लाडली।